बहुत दावा करते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक की है। बताएं मुख्यमंत्री जी, पूरे देश में कहीं भी पुलिस किसी की हत्या कर रही हो तो बताओ। और एक उदाहरण नहीं, हम कई उदाहरण उत्तर प्रदेश के दे सकते हैं, जहां पर बीजेपी की सरकार में निर्दोष लोगों की हत्या हो गई। कौन भूल जाएगा गोरखपुर, एक व्यापारी अपने साथियों के साथ कारोबार और गोरखपुर को घूमने गया था। उसे नहीं पता था कि गोरखपुर में क्या हो जाएगा उसके साथ। एक व्यापारी कानपुर का अपने कारोबार की लेकर के और गोरखपुर को देखने गया। रात में पुलिस आई, उसके कमरे में पूछताछ के बहाने इतना मारा कि उस व्यापारी की वहीं जान चली गई। बताओ कौन दोषी है? कोई दोषी अगर है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है। जो मुख्यमंत्री अपने यहां अपने गांव में घर में गृह जनपद में अगर व्यापारी को सुरक्षित नहीं रख सकता है तो उससे कानून व्यवस्था की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। जब आज आपके बीच में आया हूं तो कल की घटना भी सोच लो। एक नौजवान को पुलिस उठा ले गई और उसको इतना मारा है थाने में, पुलिस ने इतना अन्याय किया है कि उस नौजवान की जान चली गई। अगर कोई दोषी है उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है उस नौजवान की जान जाने के लिए। ये दो घटनाएं नहीं, अगर आंकड़े देखें मुख्यमंत्री जी, हम तो सोचते थे कि आपके पास तो बड़े जानकार लोग हैं, आप तो हर चीज पर नजर रखते हो। कभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का डाटा मंगवाना, कभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के डाटा मंगवाना कि अगर सबसे ज्यादा अन्याय जनता पर कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अन्याय हो रहा है। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आप ठोको नीति चला रहे हो, आप जिसको चाहो उसको ठोक दे रहे हो, कभी सोचा है उसका असर क्या हुआ? अभी हाल ही में फरक्काबाद में आपके जेलर पिट गए, आपके डिप्टी जेलर पिट गए, 30 से ज्यादा लोगों घायल हो गए, क्योंकि वहां पर जेल में यही नहीं पता था अपराधियों को, पुलिस को यही नहीं पता था किसको ठोकें। पुलिस जेल के अंदर कैदियों को ठोक रही थी और कैदी पुलिस को ठोक रहे थे, यही आपकी कानून व्यवस्था है।